गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 के वर्ड मीनिंग्स रिवाइज किए एंड आपको मैंने वर्ड मीनिंग्स का असाइनमेंट भी दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने किया है। आज हम इन तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। साथ के साथ क्वेश्चन एंड आंसर समझते जाएंगे वीडियो में। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 है ये। चैप्टर नंबर 3 में ये क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम आज पढ़ेंगे। पहले आपने कॉपी में भी किए होंगे क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे एंड उसका आंसर फिर पढ़ेंगे। व्हाट प्लान डिड अकीम टेल टू द प्रिंस फॉर फाइंडिंग द रिंग। रिंग को ढूंढने का क्या प्लान अकीम ने प्रिंस को बताया था। अकीम टोल्ड टू द प्रिंस टू सेट इन द स्मॉल रूम एट प्लेस गेट फॉर 10 डेज। तो अकीम ने प्रिंस से कहा था कि वह एक स्मॉल रूम में अपने आप को रखेगा फॉर 10 डेज। तो ये उसका प्लान था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज देयर इन द रूम इन विच अकीम सेट। जिस रूम में अकीम, जो उसका मंत्री था प्रिंस का, 10 डेज के लिए रहा, उसमें क्या क्या चीजें थी। द रूम कंटेन ओनली ए बेड, ए टेबल, ए चेयर एंड सम सेल्स फॉर बुक्स। उस रूम में क्या क्या चीजें थी। एक बेड था, एक टेबल थी, एक चेयर था और कुछ सेल्फ बनी हुई थी बुक्स रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु केम टू अकीम ऑन द 10th डे एंड व्हाट डिड ही से। जो लास्ट 10th डे था, 10वां दिन था लास्ट, तो उस दिन कौन आया था एंड उसने उससे क्या कहा था। ऑन 10th डे देयर केम एन एजेड सर्विंग मैन हु लुक्ड इन फियर एट अकीम्स बुक एंड राइटिंग पेपर्स। जो 10वें दिन था उनका एक ओल्ड सर्वेंट आया था उसके रूम में, जो कि बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था जब वह अकीम क्या कर रहा था, राइटिंग कर रहा था पेपर पर। तो 10th डे एक ओल्ड सर्वेंट रूम में आया और जो फियरफुल दिख रहा था। तो ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अकीम से टू हिज वाइफ व्हेन शी केम टू हिम ऑन द 10th डे। व्हाट डिड अकीम से टू हिज वाइफ। अकीम ने अपनी वाइफ से क्या कहा जब 10th डे उसकी वाइफ उसके रूम में आई। तो क्या कहा था उसने, देखिए। एक अकीम सेट टू हिज वाइफ टू हाइड अंडर हिज बेड अंटिल द ओल्ड सर्वेंट केम बैक एंड शी मस्ट क्राई आउट कैच द थीफ। जो अकीम था उसने ओल्ड सर्वेंट को पकड़ने के लिए, जो थीफ को पकड़ने के लिए अपनी वाइफ का सहारा लिया था और उससे कहा था अपने जो बेड है, बेड के नीचे की जो जगह है उसके नीचे छुपने के लिए एंड उसको बोलने के लिए कहा था कैच द थीफ। तो ये ऑर्डर दिया था किसने, अकीम ने अपनी वाइफ को। क्वेश्चन नंबर 5, हु अपील्ड अकीम टू शो मर्सी ऑन द ओल्ड मैन एंड व्हाई। तो हिज वाइफ अपील्ड अकीम, अकीम की जो वाइफ थी उसने ही बोला था किसको, अपील की थी अकीम से कि उसको माफ कर दिया जाए थीफ को, क्योंकि बिकॉज ही हैड बीन सो लॉन्ग एट द पैलेस। क्योंकि जो ओल्ड सर्वेंट था वो कई सालों से पैलेस में काम कर रहा था। तो ये चैप्टर नंबर 3 हमने जाना, क्वेश्चन आंसर इसके। एक बार जब हम मीनिंग समझ लेते हैं तो हमें इसको लर्न करने में आसानी होती है, ओके। तो एक बार आप इसको दोबारा से अपने आप भी याद करेंगे, पढ़ेंगे। अब करेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर देख लेंगे सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why was Tilak at first not keen to make friend with Sudhir?
शुरुआत में जो तिलक है वो सुधीर को दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहता था? तिलक वॉज नॉट कीन टू मेक फ्रेंडशिप विद सुधीर बिकॉज सुधीर हैड ए डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड इंटरेस्ट फ्रॉम हिम। क्यों नहीं बनाना चाहता था दोस्त? क्योंकि तिलक जो है इसलिए नहीं बनाना चाहता था सुधीर को, क्योंकि सुधीर की जो पर्सनैलिटी है और इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, वो बिल्कुल अलग है उससे। जब दो बच्चों की रुचि, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी सेम होती है तो दोस्ती जल्दी से हो जाती है। वह उसका मानना था तिलक का। तो सुधीर की पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट उससे अलग था, इसलिए वह उसको दोस्त नहीं बनाना चाहता था स्टार्टिंग में। सेकंड है, व्हाट वाज तिलक्स मूड व्हेन द सेकंड टाइम सुधीर केम टू हिज हाउस। जब सेकंड टाइम सुधीर तिलक के घर आया तो उसका मूड कैसा था? सेकंड टाइम तिलक्स मूड वाज गुड। उसका मूड अच्छा था विद सुधीर, एंड सुधीर ब्रॉट अ बुक फॉर हिम कंटेनिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जब सुधीर सेकंड बार आया था तो उसके लिए एक बुक लेकर आया था जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड सुधीर ब्रिंग फॉर तिलक? तिलक के लिए सुधीर क्या लेकर आया? एंड हाउ डिड दिस हेल्प टू स्टार्ट देयर फ्रेंडशिप? और उनकी फ्रेंडशिप आपस में किस तरीके से शुरू हो गई? तो सुधीर ब्रॉट ए स्टोरी बुक फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ ए स्नो व्हाइट लिपार्ड। सुधीर तिलक के लिए एक स्टोरी बुक लेकर आया था जिसमें पूरी पिक्चर्स थी एक स्नो व्हाइट लिपार्ड की, एंड सुधीर ने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया था तिलक को, एंड वो स्टार्ट उनकी जो फ्रेंडशिप है वो स्टार्ट हो गई थी आपस में जब सुधीर ने तिलक को वह स्टोरी एक्सप्लेन की। तो ये तीनों क्वेश्चन किए हमने, ये क्वेश्चंस भी हैं। हु वाज एल्सा? स्टोरी में एल्सा का भी जिक्र है। तो एल्सा वाज ए लायनेस, अ पेट एनिमल ऑफ जॉय एडम्सन। जॉय एडम्सन जिन्होंने वह बुक लिखी थी जो सुधीर तिलक के लिए लेकर आया था बुक, वह जॉय एडम्सन ने लिखी थी, एंड उन्हीं के बारे में बताया था सुधीर ने कि एल्सा एक लायनेस है जो जॉय एडम्स की एक पेट एनिमल है, जो कि स्टोरी बुक में मेंशन था। व्हाट इज कॉल्ड बोन फ्री? बोन फ्री किसे कहा गया है? तो चैप्टर में देखेंगे, जॉय एडम्सन रोट ए बुक अबाउट हिज लायनेस, दैट बुक नेम इज बोन फ्री। तो जो बुक उनकी जॉय एडम्सन की दूसरी बुक है, सुधीर ने उस तिलक को बताया कि जॉय एडम्सन की सेकेंड बुक भी है जिसमें जिसका नाम है बोन फ्री, जो कि एक लायनेस के बारे में है, एक शेरनी के बारे में है। तो ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 5 जो पोयम है उसके क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट हैपन्ड इन द मिडनाइट? मिडनाइट में क्या हुआ? ए स्टॉर्म वाज केम इन द डीप ऑफ सी एट द मिडनाइट। मिडनाइट में आधी रात को एक भारी तूफान आया, बर्फ का तूफान। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई कुड द पैसेंजर नॉट स्लीप? जो पैसेंजर है वो सो क्यों नहीं पाए? द पैसेंजर कुड नॉट स्लीप बिकॉज अ फियरफुल स्टॉर्म वाज देयर इन द डीप सी। क्योंकि उस रात बहुत ही डरावना तूफान सागर में आ गया था जिसपे वो जहाज चल रहा था। व्हाट डिड द पैसेंजर बिगिन टू डू? पैसेंजर क्या करने लगे जब उनको डर लगने लगा? द पैसेंजर बिगिन प्रेयर टू सेव देयर लाइफ। पैसेंजर अपनी लाइफ को सेव करने की प्रार्थना करने लगे। फोर्थ है, हाउ डिड द लिटिल डॉटर ऑफ द कैप्टन कंसोल हिम? जो लिटिल डॉटर थी उसने उसको कैसे तसल्ली दिलाई कैप्टन को? द लिटिल डॉटर हैव फेथ इन गॉड ही सैड, इज नॉट गॉड अपॉन द ओशन एज इन द लैंड। तो उसने बोला था एक सेंटेंस, इज नॉट गॉड अपॉन द ओशन एज इन द लैंड। उसने कहा था कि समुद्र में क्या भगवान नहीं होते जिस तरीके से पृथ्वी पर धरती पर भगवान है? तो ये इस कहकर उसने कैप्टन को अपने फादर को तसल्ली दिलाई थी। हु हैज कम्पोज दिस पोयम? जो ये पोयम है ए हॉरिबल स्टॉर्म, ये किसने लिखी है?
तो ये लिखी गई है, दिस पोयम हैज बीन कम्पोज्ड बाय द फेमस इंग्लिश पोएट जेम्स टी फील्ड। जेम्स टी फील्ड द्वारा ये पोयम लिखी गई है। तो ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर हमने जाने। आपको मीनिंग एंड इन क्वेश्चंस की मीनिंग बताने का मेरा पर्पज यही था कि आप एक बार इनको, आपको ये सभी क्वेश्चंस रिमेम्बर हो जाएंगे, दोबारा से याद आ जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे एंड आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस एक बार आपके सामने आ भी गए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। तो इनको आपने कॉपी में भी किया हुआ है अपनी इंग्लिश की, तो इनसे रिलेटेड असाइनमेंट है आपके लिए, होमवर्क है। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है आज होमवर्क में। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, हु वाज एल्सा, एल्सा कौन है, व्हाट हैपेंड इन मिडनाइट, मिडनाइट में क्या हुआ था, हु हैज कंपोज्ड द पोयम अ होरिबल स्टॉर्म, अभी हमने पढ़ा अ होरिबल स्टॉर्म किसने कंपोज की, व्हाट डिड सुधीर ब्रिंग फॉर तिलक, तिलक के लिए सुधीर क्या लेकर आया, हु अपील्ड अकीम टू शो मर्सी ऑन द ओल्ड मैन, किसने दया दिखाने की बात की ओल्ड मैन पर, हाउ वाज सुधीर इन गेम्स, गेम्स में सुधीर कैसा था, हु इज द क्लासमेट ऑफ तिलक एट स्कूल, जो तिलक है वो स्कूल में उसका क्लासमेट कौन था। तो ये 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से, ठीक है। आपने अपनी कॉपी में तीनों ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है सारे, कहीं से भी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आप करेंगे इनके आंसर, ठीक है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर कॉपी में नहीं किए हुए तो मैंने अभी आपको वीडियो में समझाए हैं, आप वीडियो को दोबारा देखें, क्वेश्चन आंसर आपको इसी में से, वीडियो में से मिल जाएंगे। इनको आपको लर्न करना है एग्जाम के लिए अच्छे से, ये आपका आज का रिवीजन असाइनमेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।